अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। पॉलिनेटर्स हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो वी स्टडीड अबाउट इंसेक्ट्स, वी स्टडीड अबाउट सर्टेन एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो भी कैसे पॉलिनेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं विंड एज अ पॉलिनेटर, कि हाउ विंड एक्ट एज अ पॉलिनेटर, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे टोटल वर्ल्ड के जो प्लांट्स हैं उनमें से 12% प्लांट्स ऐसे हैं जो कि विंड पॉलिनेटेड हैं। विंड पॉलिनेटेड हैं उनमें से कॉनिफर्स आ जाते हैं जो कोन शेप प्लांट्स होते हैं, या कुछ पाइन ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज में भी वो भी विंड पॉलिनेटेड होती हैं, या कुछ राय है, कॉर्न है, जैसे हमारी फूड क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, कॉर्न है, राई के हैं, बार्ले है, जो जिसको हम ओट कहते हैं, उसके जो फील्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी विंड पॉलिनेटेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे ट्रीज जो कि फर ट्रीज हैं, या फिर पाइन ट्रीज हैं, सप्रूसिस ट्रीज हैं, ये कौन शेप ट्रीज ही होते हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज की तरफ होते हैं, ये भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। तो विंड पॉलिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं इनके पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट होते हैं, इनके जो ग्रेन्स हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। जो ही आंधी आती है, हवा आती है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड ना, तो जो ही विंड आती है तो वो पोलन ग्रेन्स इतने लाइट वेट होते हैं कि वो उड़ जाते हैं उस विंड की वजह से, और उड़ के फिर वो एट सम डिस्टेंस ही कुछ अगर दूसरे प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर जाके गिरेंगे, और इस तरह से पॉलिनेशन का हमने प्रोसेस होता है। तो विंड एज अ पॉलिनेशन पॉलिनेटर एक्ट कर रही है कुछ प्लांट्स के लिए, उनका मैंने आपको बताया है। वाटर की अगर हम बात करें कि हाउ वाटर एक्ट एज अ पॉलिनेटर, तो बहुत कम प्लांट्स हैं जिनमें वाटर एज अ पॉलिनेटर एक्ट करता है। ज्यादातर वो वाले पौधे जो पानी में पाए जा रहे हैं, जैसे वाटर हाइड्रिला है जो कि वीड्स हैं जो वाटर में पाई जाती हैं, या पानी की सतह के ऊपर जो पौधे पाए जाते हैं, जैसे वाटर हाइसेंथ जो है, ये वाटर हाइसेंथ ग्रीन कलर के छोटे छोटे फ्लावर टाइप होते हैं जो कि पानी के ऊपर पाए जाते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर ये रहते हैं, वाटर हाइसेंथ है। वाटर हाइड्रिला है जो कि पानी के नीचे है, या ईल ग्रासेस है, ईल ग्रासेस मतलब जो सी वीड्स हैं, समंदर में जो वीड्स हैं जो पानी के नीचे पाई जा रही हैं। वाटर लेट्यूसेस हैं, वाटर लेट्यूस प्लांट्स भी पानी में ही पाए जा रहे हैं, तो उनमें जो है वो वाटर एक्ट एज अ पॉलिनेटर उनमें एक्ट करता है। किस तरह से उनमें पानी एक्ट करता है एज अ पॉलिनेटर, कि वो पानी वो पोलन ग्रेन्स बना रहे हैं प्लांट्स, तो जाहिर है जब वो पानी के अंदर ही रह रहे हैं तो वो पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही मूव करेंगे, जब वो पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही मूव करेंगे तो पानी के जरिए फिर वो साथ वाले प्लांट्स में जाएंगे और इस तरह से वहां पे पॉलिनेशन कर देंगे। तो पोलन अंडर वाटर ट्रैवल करते हैं, सम केसेस में अंडर वाटर भी ये ट्रैवल करते हैं पोलन, सम केसेस में ये होता है कि वही बात कि वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्लांट्स हैं जो कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। बस वही प्लांट्स जो पानी के अंदर रह रहे हैं वही ज्यादातर वाटर पॉलिनेटेड होते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ इंसेक्ट्स जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो उनको पॉलिनेट कर दें, तो बहुत कम प्लांट्स वाटर पॉलिनेटेड होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं या फिर जो है वो एनिमल पॉलिनेटेड होते हैं। बाकी 12% प्लांट्स हैं जो विंड पॉलिनेटेड हैं, बहुत कम प्लांट्स हैं जो वाटर पॉलिनेटेड हैं। तो ये हमने पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ लिया है कि पॉलिनेटर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। 4 फैक्टर्स हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में हमने पढ़ा, अगर हम उसको रिवाइज करें तो वर्टिब्रेट एनिमल्स हमने पढ़े कि जो बर्ड्स हैं, जैसे चिंपैंजी है, मंकीज हैं, सॉरी रोडेंट्स हैं, वो एज अ जो है वो पॉलिनेटर एक्ट करते हैं। ह्यूमंस इटसेल्फ एक एज अ पॉलिनेटर एक्ट कर रहे हैं गार्डनर्स के सेंस में, तो वो एज अ पॉलिनेटर सारे एक्ट कर रहे हैं। इंसेक्ट्स में हमने देखे बहुत सारे बीज थी, फ्लाइज थी, या बहुत सारी जो है बम्बलबीज थी जो कि एज अ पॉलिनेटर एक्ट करती हैं। मस्किटोज आल्सो एक्ट एज पॉलिनेटर, पोलन ग्रेन्स उठाते हैं और ले जाते हैं, तो वो थे। और फिर उसके बाद हमारे पास विंड और वाटर का था। तो ये हमारे पास पॉलिनेशन उसके टाइप्स और उसके जो फैक्टर्स हैं
जो एज अ पॉलिनेटर एक्ट करते हैं वो हमारे पास आज के लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।